हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सिलेसू डोटीन। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा माइनर प्रोजेक्ट का जो पहला पार्ट पोर्शन था, डीएससीपी डीएनएस सर्वर वेब सर्वर सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, एफटीपी सर्वर जीमेल सर्वर सारे पीसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, उसको किस तरह से कनेक्शन करना है, कनेक्शन करना सबको, नोमेनक्लेचर करना सबको, नाम देना। अब हम उसमें मैंने पहले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने सिर्फ डीएससीपी सर्वर को कन्फिगर किया था, इसलिए मैं हम लोग बाकी सारे सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी डीएनएस को, वेब सर्वर को, एफटीपी सर्वर, जीमेल सर्वर। ठीक है, तो हमारा वेब सर्वर का कुछ नाम दे देते हैं। मैं नाम दे रहा हूँ linustiwari.com। ठीक है, मेरी साइट का नाम है तो अपना ही नाम दूंगा ना मैं। अब डीएनएस क्या काम करेगा? डीएनएस इंट्री करता है। डीएनएस का क्या काम है? इंट्री करना, यानी आईपी को नाम देना। तो चलते हैं डीएनएस में और चलते हैं सर्विसेज में। यहाँ पे आपको डीएनएस का ऑप्शन दिख जाएगा, डीएनएस। अब नेम, पहला नेम क्या है? linustiwari.com, linustiwari.com जो हमारा वेब सर्वर है, और उसकी आईपी एड्रेस क्या है? 1.0.0.3। तो इसकी इंट्री कर दिया हमने, ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है? YouTube.com, YouTube.com उसका आईपी एड्रेस क्या है? 1.0.0.4। नेक्स्ट Gmail.com, तो हमने रख दिया Gmail.com और उसकी आईपी एड्रेस है 1.0.0.5। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर, हम उसको ऐड कर दिया और डीएनएस की सर्विस ऑन कर दी। डीएनएस का काम खत्म। ठीक, ए रिकॉर्ड सबका तैयार हो गया, gmail.com, linustiwari.com और youtube.com। यानी अब सारे सिस्टम, सारे मशीन इस आईपी को नाम से भी पहचान सकेंगे। अब चलते हैं वेब सर्वर में। वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे? सर्विसेज में जाएंगे और इसके अंदर आपको HTTP ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, index.html फाइल है, जो बेस्ट फाइल है उसमें जाते हैं और कुछ चेंज कर देते हैं। हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसको जब थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे वेलकम टू linustiwari.com। ठीक है, हमने सेव कर दिया इसको, यस। वेब सर्वर काम ख़त्म। एफटीपी सर्वर में क्या करेंगे? हम सर्विसेज में जाएंगे, एफटीपी में जाएंगे, यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर देते हैं सतीश नाम से और इसका पासवर्ड देते हैं सतीश123। इसको परमिशन देते हैं राइट, रीड, डिलीट, रीनेम और लिस्ट का, और इसको ऐड कर देते हैं। तो सतीश यूजर को ये परमिशन मिल गया। ठीक है, एफटीपी सर्विस ऑन है, ओके। डीएनएस भी चेक करें तो डीएनएस की सर्विस ऑन है कि नहीं? ऑन है, ओके। ठीक है, एचटीटीपी की सर्विस भी ऑन है, ओके। अब चलते हैं जीमेल पे। तो जीमेल पे हमारे दो यूजर हैं, सतीश एंड राहुल। सर्विसेज में गए, ईमेल में गए, डोमेन नेम सबसे पहले, डोमेन नेम क्या है इसका? gmail.com। तो डोमेन नेम सेट कर दिया, सेट सेट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, डोमेन नेम सेट करना। यूजर कौन सा है? सतीश। सतीश को पासवर्ड देते कुछ 123 दे दिया हमने, ऐड कर दिया। नेक्स्ट यूजर कौन सा है? राहुल। राहुल को पासवर्ड देते हैं 456। ये दोनों यूजर ऐड हो गया, कहाँ पे? मेल सर्वर पे। एसएमटीपी सर्विस भी ऑन है और POP3 सर्विस भी ऑन है। एसएमटीपी जैसा मैंने बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो मेल सेंडिंग के काम आता है, और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो मेल रिसीव करने का काम आता है। ये मेल सर्वर पर बस हमें इतना ही करना था, हमारा काम खत्म हो गया। अब मेल सर्वर के दो क्लाइंट हैं, सतीश और राहुल। तो पहले चलते हैं सतीश पे। क्लाइंट को कैसे कन्फिगर करेंगे? इसमें ईमेल ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेम सतीश, ईमेल एड्रेस satish@gmail.com, डोमेन नेम के साथ यूजर का कम्युनिकेशन कोई मेल सर, मेल सर्वर हमारा इनकमिंग मेल सर्वर gmail.com। जीमेल का कोई भी मेल होगा तो उसके लिए इनकमिंग मेल सर्वर और आउट गोइंग मेल सर्वर दोनों gmail.com ही होगा, क्योंकि आपकी अगर आईडी जीमेल में बनी हुई है तो आपका कोई भी ऐसा मेल आपके पास नहीं आ सकता जो बिना जीमेल से हुआ आए। ठीक है, यानी बिना जीमेल्स को सर्वर में जाए आपके पास कोई मेल नहीं आ सकता। तो लॉग ऑन इन्फॉर्मेशन, सतीश, यूजर नेम, पासवर्ड 123 दिया था हमने, वो दे दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। ये हो गया काम ख़त्म इस यूजर का। चलते हैं नेक्स्ट यूजर राहुल पे।
राहुल पे जाकर हमने ईमेल में गए, यूजर नेम राहुल, ईमेल एड्रेस rahul@gmail.com, rahul@gmail.com, इनकमिंग मेल सर्वर gmail.com, आउट गोइंग मेल सर्वर यूजर नेम पासवर्ड 456 सेव कर दिया हमने। ठीक, अब सबसे पहले इस पीसी पे जाते हैं, किसी भी पीसी पे जाकर सबसे पहले चेक करते हैं वेब सर्वर को। तो वेब ब्राउजर खोल लेते हैं और इसमें टाइप करते हैं linustiwari.com, linustiwari.com। ये देखिए हमारा वेबसाइट खुल गया, वेब सर्वर खुल गया, वेलकम टू linustiwari.com। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। अब चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। और चेक करते हैं FTP सर्वर को। FTP youtube.com, यूजर नेम क्या हमारा सतीश था और पासवर्ड सतीश123 दिया था हमने FTP का। ये देखिए FTP में लॉगिन हो गया। यहाँ DIR करेंगे तो FTP पर जो जो फाइल है वो सारे फाइल दिख जाएगा FTP सर्वर पे। ठीक है, बाहर निकलना हो हेल्प कमांड से देख लेंगे और भी कौन कौन सा कमांड है। बाहर निकलना हो तो क्विट कमांड। FTP सर्वर के बारे में और डिटेल में जानना हो तो मैं एक अलग से ट्यूटोरियल डालूंगा FTP सर्वर को और डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, तो हमारा FTP सर्वर भी टेस्टिंग हो गया। अब बच्चा हमारा मेल सर्वर, तो मेल सर्वर की टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो इससे ईमेल सेंड करते हैं सतीश सिस्टम से, राहुल को सेंड करते हैं मेल rahul@gmail.com, gmail.com। मेल सेंड कर दिया, यहाँ पे दिखा रहा है मेल सेंड सक्सेस, सक्सेस दिखा दिया आपका मेल सेंड सक्सेसफुल, यानी आपका सब कुछ सही ओके है। चलते हैं क्लाइंट साइड में राहुल पे, ईमेल में देखते हैं रिसीव में जाकर कोई मेल आया कि नहीं। ये देखो सतीश से मेल आया हुआ है, हाय राहुल, हेलो। ठीक है, तो हमारा ये मेल सर्वर भी टेस्टिंग हो गया। किस तरह से आप कॉलेज में अपने माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट में आप दिखा सकते हो, जिसमें आपका DHCP सर्वर, DNS सर्वर, वेब सर्वर, FTP सर्वर, जीमेल सर्वर होगा, सबकी टेस्टिंग करके दिखा सकते हो। आप समझा सकते हो कि सर की वर्किंग क्या होती है, DHCP क्या काम करता है, DNS सर्वर क्या काम करता है, वेब सर्वर क्या काम करता है, FTP सर्वर क्या, जीमेल सर्वर क्या काम करता है। ठीक है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल आप सारे सर्वर का समझा सकते हो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, माइनर प्रोजेक्ट के अंदर। ये सारा प्रोजेक्ट हमने लैन के अंदर किया, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर किया, इसमें सिर्फ स्विचेज हैं, राउटर का इस्तेमाल नहीं किया है। आगे जब मैं मेजर प्रोजेक्ट कराऊंगा इसमें, तो मैं उसको राउटर के साथ, यानी अलग अलग नेटवर्क कम्बाइन हो गए और उसमें हम लोग मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, अगर कोई सजेशन हो तो दे सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्द ही सेम लैब को GNS3 में ले आऊँ, और GNS3 में क्या फ़ायदा होगा कि मैं रियल में FTP सर्वर और वेब सर्वर इंटीग्रेट करूँगा। यानी वेब सर्वर में कोई लाइनेक्स का सिस्टम होगा, FTP सर्वर में विंडो सिस्टम होगा, जीमेल में भी कोई लाइनेक्स मशीन होगा, तो रियल सर्वर होंगे वहाँ पे। ठीक है, और DHCP सर्वर मैं राउटर को बनाऊँगा, DNS सर्वर भी मैं राउटर को बनाऊँगा। तो नेक्स्ट लैब को और आने वाले लैब को आप देखना चाहते हैं तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। सब्सक्राइब किए हैं तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।